आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, विशेष में हम लोग आपसे उन लोगों की भेंट करवाते हैं जिन्होंने समाज को ऊंचा उठाने के लिए अपना कहीं ना कहीं कुछ योगदान दिया है। और इस कड़ी में आज इस वक्त हमारे साथ है अंबेडकरवादी आंदोलन में बड़ी गरिमा से और बड़ी महानता से और बड़े सम्मान से जिस नाम को लिया जाता है, एलआर बाली साहब, हम सबके परिचित। लेकिन दो तीन चीजें जो एलआर बाली साहब के साथ में जुड़ती है वो है, एक तो समता सैनिक दल, दूसरी बात भीम पत्रिका, और तीसरी बात है अंबेडकरवादी साहित्य और अंबेडकरवादी विचारधारा का वो विश्लेषण जो बाबा साहब की वास्तविक दृष्टिकोण से जाता है, और वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाता है, और वो जाता है तो बाली साहब के साथ जाता है। बाली साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बात तो यही होती है, हमारी परंपरा रही है कि हम लोग पारिवारिक बातों पर ही सीधी बात करते हैं, और जहां तक हम जानते हैं कि बाली साहब का जो परिवार है वो तो समता सैनिक दल और भीम पत्रिका, इसके सिवाय कुछ रहा नहीं। बात यहीं से शुरू करते हैं कि भीम पत्रिका अब क्या चल रहा है उसका और कैसे चल रही है। देखिए, मैं इसका थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। मैं 1946 में दिल्ली चला गया। जी जी। मेरे बड़े भाई जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी हाँ जी। उनके पास चला गया मैं, तो 48 में मेरी नौकरी लग गई। जी हाँ। तो हम पंजाबियों का एक ग्रुप था जिसमें नानक चंद रत्तू, केसी सुलेख और बहुत सारे लोग। जी हाँ जी हाँ। तकरीबन 40-50 लोग। जी जी। तो हमारा आना जाना बाबा साहब के यहाँ होता था। जी हाँ जी हाँ। और मेरे जो अंकल थे जी, तो वो डॉक्टर थे पेशे से, तो अंबेडकराइट थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 46 में। अच्छा। तो मतलब ये आजादी के एक साल पहले की बात। हाँ, आजादी से पहले की बात। उनके यहाँ 17 बीए जिन्होंने बाबा साहब को लाहौर बुलाया था। जी जी। जिससे एनिलेशन ऑफ कास्ट बनी। जी हाँ। तो जात पात तोड़क मंडल जो था, और उनका एक मैगजीन था क्रांति। जी हाँ जी हाँ। वो उर्दू में निकलता था। अच्छा। तो मेरी उर्दू परशियनी भाषा रही है। अच्छा। तो हिंदी तो मैंने जेल में सीखी है, वो बाद में बताऊंगा। तो बाबा साहब के आना जाना था। जी जी। तो बहुत बार हम जूनियर लोग थे, सीनियर आगे होते थे, बाबा साहब के दर्शन करने, उनकी बात सुननी वगैरह वगैरह चलता रहा। तो हम कहना चाहिए पदाशी अंबेडकराइट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 63 में मैं बुद्धिस्ट बना। जी। तो मेरी सारी फैमिली बुद्धिस्ट है वगैरह। तो मैं आखिरी बार 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब को मिला, 26 अलीपुर रोड पर। जी। जहाँ आजकल उनका स्मारक बना है। जी हाँ जी हाँ। तो एक श्रीलंकास फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, मैं उसका मेंबर नहीं हो सकता था क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। बिल्कुल। तो मेरे जो साथी थे पंजाब से वो मुझे लेके आए। अच्छा। वो नए लोग थे, उनको इंट्रोड्यूस कराना था। तो इंट्रोड्यूस करा के मैं तो बाहर बैठ गया, वो मीटिंग में रहे। जी हाँ। तो मैंने देखा कि बाबा साहब मीटिंग के बाद अचनचेत बाहर आए, तो एक कुर्सी पे बैठे, तो बेहोश हो गए। ओह। तो उसका मेरे मन पे बड़ा असर हुआ। क्या क्या वजह रही होगी, बीमारी जो चल रही थी? यानी उनको शुगर थी बहुत, रात को बहुत दर्द होता था। ये पांव के नीचे तेल लगा के करना पड़ता था, दबाना पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी मुझे तो इतना मौका नहीं मिला, रत्तू दबाते थे, एक हमारे कलीग थे वो दबाते थे, मुझे भी कहते थे तो मैं तेल कभी, लेकिन मुझे ज़्यादा मौका वो नहीं मिला सेवा का। लेकिन 30 सितंबर को जब मैं मिला तो मेरे मन में आ गया कि बाबा साहब अब ज़्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा ऐसी धारणा आ गई। तो मैंने जब बाबा, ऑक्सीजन अंदर ही रहती थी सिलेंडर वगैरह, उनको अंदर ले जाके ऑक्सीजन दिया गया, तो बाबा साहब थोड़ा संभले। तो जब संभले, मैं वहीं बैठा रहा, उनकी कुर्सी खाली हुई उस पर मैं 3 घंटे बैठा रहा। फिर मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने बाबा साहब को हाथ जोड़े और मैंने कहा, बाबा साहब, मैं उजाला निकलता था हमारे यहाँ वीकली उर्दू का, केसी सुलेख उसके एडिटर थे। अच्छा। मैं भी उसमें लिखता था। अच्छा। तब आप उसमें लिखते थे? लिखता था मैं। अच्छा। अमरनामा शहरी के नाम पे, गवर्नमेंट सर्वेंट था, नाम बदल के लिखता था, सिडोनिमस। हाँ हाँ। तो मैंने बाबा साहब को वचन दिया कि बाबा साहब, जाने का तो कुछ पता नहीं किसने पहले जाना है, लेकिन आपके जाने के बाद जो शमा,
ज्योति आपने रोशन की है। क्या बात है। इसको जलते रखने के लिए मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक डाल के इसको जलता रखूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ये मैंने उनको वचन दिया। वचन देने के बाद जिस वक्त उनकी 6 दिसंबर 1956 में महापरिनिर्वाण हुआ जी, तो मैंने उसी दिन अपनी पक्की नौकरी 1 महीने की तनख्वाह देके, क्योंकि कंडीशंस ऑफ सर्विस होती हैं जी जी, परमानेंट आदमी को तनख्वाह देनी पड़ती है, 1 महीने के नोटिस देना पड़ता है। मैंने 1 महीने की तनख्वाह दी और तनख्वाह दे के तो मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया 6 दिसंबर 1956 को। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। क्या क्या संकल्प रहा था आपका? संकल्प रहा कि जो मैंने वचन दिया मैंने उसको पूरा करना है, जबान से करना है, लेखनी से करना है। तो मैं पहली बार इंग्लैंड में गया 67 में। अच्छा। और मैंने स्वर्ण सिंह जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे जी, तो मैं आरपीआई से उनकी आरपीआई दो जगह फट गई, एक प्रो कांग्रेस एंटी कांग्रेस। अच्छा। मैं आरपीआई एंटी कांग्रेस था, हमने आरपीआई अंबेडकर एक्ट बनाई लखनऊ में बैठ के। अच्छा। क्योंकि 66 में दादा साहब गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस से इलेक्शन की युति करेंगे, युति मतलब समझौता। हाँ जी, हाँ, हम नहीं करेंगे। तो मैं बीसी कामले, हरिदास आवले और शेदी लाल साथी, तमाम इंडिया के लोग मैंने इकट्ठे किए। अच्छा। और मैंने ओपन सेशन में कहा दिल्ली में, तब मैं पार्टी में ही था, कि आज आरपीआई की कब्र खोद दी गई है। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, स्वर्ण सिंह वाज डिफेंस मिनिस्टर और उसने मेरे पासपोर्ट के एप्लीकेशन पे लिखा हुआ था कि मेरी परमिशन के बगैर इसको पासपोर्ट नहीं देना। ही वाज देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मुझे बाहर जाने से भी रोक दिया। तो मैंने कहा मैं इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, जनरल सीट जलंधर की जी। मेरे पास कोई साधन नहीं, साइकिल, साइकिल से मैंने उसका मुकाबला किया और लगभग मैंने 1,00,000 वोट ली उस वक्त, 1,00,000 67 के इलेक्शन में। अकालियों ने कहा साथ देंगे, जनसंघ ने कहा साथ देंगे, लेकिन सब बिक गए, स्वतंत्र पार्टी के साथ बिक गए। तो मैं इंग्लैंड गया, जो मैं आपको बताना चाहूँ इलेक्शन हार के जी जी। जब मैं लौट के आया तो मैंने कहा राजगढ़ देखनी है, देखी तो मैंने बड़ी बार थी। इंग्लैंड से मैं लौट के आया, 6 महीने रहा मैं इंग्लैंड में, मैंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया। आज अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे आपको 4 बूथ बिहार मिलेंगे जी। मैंने वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ऑर्गेनाइज की, वहाँ अपना आदमी कोई भी रहे, साल भर भी रह सकता है, खाना फ्री, रहना फ्री। तो मैंने ऑर्गेनाइज किए रातें जाग जाग के। तो जब मैं लौट के आया 6 महीने के बाद तो मैं राजगढ़ गया। उस वक्त वो कोई खास बात नहीं थी, ऊपर गया तो बरसाती के अंदर, बरसाती समझते हैं जी? हाँ जी हाँ। बरसाती एक बड़ी रहती ऊपर, उसमें बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट फेडरेशन वाज फ्रीडम 2 किताबें सेंक लगी हुई पड़ी थी। एनिहिलेशन कास्ट मैंने 10 भाषाओं में छापी, मिलती नहीं थी, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, और जगह जगह मैंने अपने दोस्त पैदा करके उसको सभी भाषाओं में छापा। तो ये इस वक्त भीम पत्रिका का निर्माण हो चुका था? भीम पत्रिका तो 58 में हो गया। अच्छा। जब मैं आया मैदान में 57 में जी, तो मेरे एक दोस्त थे मेरे, जहाँ का मैं रहने वाला था, नमा शहर द्वाबा, आज उनका नाम शहीद भगत सिंह नगर है जी। तो वहाँ के एक 57 में जब मैं एक्टिव हो गया, शूट का फेडरेशन इलेक्शन लड़े तो मैं ने कैंडिडेट खड़े किए। तो 57 में मैंने एक रिजर्व सीट पे नवा शहर में कैंडिडेट खड़ा किया, जो मेरी जन्मभूमि थी जी। तो वहाँ एक हिंदू आर्य समाजी मेरे साथ थे, भैया साहब भी थे। अच्छा। यशवंत राव अम्बेडकर जी। हाँ, हमने सारे पंजाब का दौरा किया, कराया उनका। तो वो हिंदू भाषण सुनने के लिए आया बाबा साहब, वो संतरा बी ए का दोस्त था। अच्छा। और क्रांति पढ़ता था, क्रांति को हर महीने पैसा देता था। अच्छा। था आर्य समाज का प्रधान नवा शहर द्वाबा का, उनका नाम था कृष्ण कुमार। तो वो सुनने के लिए आए, भैया साहब का भाषण हुआ, मेरा भी हुआ। तो जब मेरा भाषण हो गया, इलेक्शन का टूर होता है, इधर आए उधर चले गए जी जी जी। तो उसने बाद में मुझे ढूंढा, उसकी अपनी फ्लेक्स शूज की दुकान थी बहुत बड़ी। अच्छा। तो लोगों से संपर्क किया कि ये बाली नाम का कौन आदमी था, फिर वो मुझे मिलने के लिए जलंधर आया, मैं जलंधर परमानेंट रहने के लिए चला गया।
नौकरी भी मेरी वही सी, वही नौकरी मैंने छोड़ी, वही किराए का मकान लिया जी। तो उसने कहा भाई अगर दो सवाल उसने मुझे किए, रहना है कि जाना है। मैंने कहा भाई नौकरी छोड़ दी, अब रहने है जाना कहाँ है। तो उसने कहा कि पेपर निकालो। तो अच्छा। हमने भीम पत्रिका 58 में शुरू किया उर्दू में। अच्छा पहले उसका उर्दू संस्करण? पहले उर्दू था, पंजाबी हुआ, अंग्रेजी हुआ, 65 में हिंदी हुआ। अच्छा अभी हमने थोड़े महीने हुए अंग्रेजी में शुरू किया, लेकिन सहयोग नहीं मिला, 2 लाख रुपया घाटा डाल के बंद करना पड़ा। 65 से लगातार भीम पत्रिका अंग्रेजी हिंदी में है और देश विदेश में चलता है। आप देखो यकीन करो, यानी झांसी में 100 कापी जाती है। अच्छा झांसी में, और खुर्जा एक, खुर्जा एक मंडी है यूपी की, वहाँ 300 कापी जाती है, और बाई एयर 200 कापी बाई एयर जाती है। क्या बात है, यहाँ भी लोग हैं। यानी भीम पत्रिका एक सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन बन गया है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी हम जानकारी देते हैं जी हाँ। बाकी ये कि देखो MLA बनना, मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना और आगे बनना, ये अच्छा, तो सर ये वक्त की चीजें हैं। इन सब के बीच समता सैनिक दल से जुड़ाव कैसा बना? समता सैनिक दल भगवान दास जो थे ना दिल्ली में, आपने नाम सुना होगा, एडवोकेट भगवान दास, हाँ मैं उनको लाया जी। तो मैंने उनको कहा, वो भी पत्र का उर्दू पढ़ने लगे, अच्छा लिखने लगे उसमें, वो भी उर्दू पर्शियन पढ़े थे। तो फिर हमारा दोस्ताना हुआ। दोस्ताना होने के बाद 78 में हम दोनों ने फैसला किया कि भाई अगर बाबा साहब के विचार को जिंदा रखना तो भीम पत्रिका इसको समता सैनिक दल को रिवाइव करो। अच्छा तो हमने रिवाइव किया दोनों ने मिलके, और रिवाइव किया हमने ऑल इंडिया समता सैनिक दल। अच्छा इस नाम से ऑल इंडिया समता सैनिक दल, उसको रजिस्टर कराया। अच्छा रजिस्टर करवा के हमने टाकल घाट के पास, हमारे चंदन खेड़े जी हैं धर्म चंदन खेड़े, उन्होंने जमीन दी, वहाँ हमने ट्रेनिंग सेंटर बनाया, वो एक्वायर हो गया। अच्छा थोड़ा पैसा मिला, फिर हमारे हरीश चांदे जी ने जगह ली 3.5 एकड़ चिचोली में जी। आज हमारा वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। कोई ऐसी संस्था नहीं जिसका अपना दफ्तर है, हमारा 32 है रामबाग रोड पे दफ्तर है, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हमारा ऑल इंडिया कार्यक्रम है, हमें इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है परमानेंट। तो यानी हमने उसको एक संस्था के तौर पे सही मायनों में, सही अर्थों में अंबेडकर के विचारधारा की एक संस्था खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन सर एक बात मुझे आप बताएं कि समता सैनिक दल जो अपने आप में एक बड़ा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आज बहुत सारे गुटों में वो दिखता है, बहुत सारा विभाजन उसका दिखता है। देखो क्या वजह मानते हैं, क्योंकि हम जो समझते हैं कि बाली साहब जो एक जिनके पास एक क्षमता है, जिनके पास संगठन की क्षमता है, लेकिन समता सैनिक दल बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, क्या वजह हो सकती है? देखो ऐसा है, ये प्रॉब्लम है महाराष्ट्र की। अच्छा खास तौर पर देखो, आज जब मैंने शुरू किया काम जी 1957 में 56 में जी बाबा साहब को रिजाइन देके, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ऊपर इतने केस बने हैं कि मैं गिन नहीं सकता। हवालात में रहा हूँ, पुलिस लॉकअप में 28 घंटे, RPI की एजिटेशन का मैं वाइस चेयरमैन था, एक्शन कमेटी का, वो 64 वाली 64। 2,44,000 लोग जेल के रजिस्टर पे थे, मैं अंदर था, जेल में था, मेरी वाइफ अंदर थी, 32 औरतें अंदर थी, मेरा लड़का राहुल दिल्ली जा वो जेल में था, मेरी बेटी जो कनाडा में है सुजाता वो जेल में थी, वहाँ मैंने काखा रख के मिट्टी में, टीचर होता है जेल में, मैंने उससे काखा सीखा, फिर मैंने अंग्रेजी से हिंदी ट्वेल्व की, फिर मैंने कहा उर्दू में तो काम चलेगा नहीं, 65 में फिर मैंने हिंदी में भीम पत्रिका शुरू किया। तो जो बात आपने कही है, असल में लोग का जो मकसद है संस्था चलाना, वो अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाना नहीं, उसमें स्वार्थ होता है। मैंने पूरी कोशिश की है जी, महाराष्ट्र में कई मीटिंगें ली मैंने जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं 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 उसकी जरूरत भी नहीं, अच्छा है, नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो तो दिख रहा है। मैंने उनको कहा कि देखो भाई आपको पद चाहिए पद देंगे। बिल्कुल मैं कई साल चेयरमैन रहा, पिछले साल हमारा पुलगांव में सेशन था।
मैं कई साल चेयरमैन रहा, पिछले साल हमारा पुरगांव में सेशन था, मैंने कहा भाई अब मुझे, मैं उम्र का हो गया हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं आपके साथ रहूंगा जी। अभी हमारा उन्ने में सेशन हो रहा है 15-16 जून 2014 का ऊना हिमाचल में सेशन हो रहा है। अच्छा। मैंने ऑफर किया मैं निजी 10,000 रुपये दूंगा, बिल्कुल दूसरों ने भी किया कलेक्ट। ये होती है एक समर्पण भावना। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ दो, एक हकीकत राय हुआ है हिंदुओं में, चोटी समझते चोटी, टॉप नॉट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जी, मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, जो ऊपर रखते हैं ऐसे चोटी, चोटी ही कहा जाता है, चोटी कहो हकीकत राह को कहो कि तेरी चोटी जो है ये काट देनी है, उसने जान दे दी लेकिन चोटी नहीं कटवाई। अच्छा हम उससे सहमत है या नहीं सहमत लेकिन उसने चोटी नहीं कटवाई अपने, यानी दिस इज समर्पण। चाहे हम सहमत हैं या नहीं है, भगत सिंह को पता नहीं क्या क्या ऑफर हुआ, मैं आपको भगत सिंह की कोटेशन देता हूँ, मेरे गांव के पास के ही थे वो जी। और उसकी सारी फैमिली आज भी मेरे मुझको बहुत अच्छा दोस्त मानती है। भगत सिंह का कहना यह है उसके बाप ने अंग्रेज को चिट्ठी लिखी माफीनामे की, अच्छा कि इसको उम्र कैद में बदल दो या माफ कर दो, तो भगत सिंह अपने बाप को चिट्ठी लिखता है कि आपने मेरे किए किराए पे पानी फेर दिया। भगत सिंह लिखता है कि सिद्धांत से बड़ा जीवन नहीं है, क्या बात, हम दल के लोग समझते हैं सिद्धांत से बड़ा जीवन नहीं है। जो लोग बिकते हैं असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इसके लिए, आपका ख्याल हमें नहीं ऑफर हुई, हमें भी ऑफर हुई है, हमें तंग किया गया। अभी मेरे ऊपर कुल्लू केस अभी खत्म हुआ है, रंगीला गांधी किताब पे मेरे ऊपर दो केस किए आरएसएस ने, आरएसएस का हेड है जिसने केस किया, कुल्लू का खत्म हो गया, गवाही देने नहीं आया, अपने लोगों ने कहा कि तुम्हें जिंदा काट देंगे गवाही दो, नहीं आया डर के मारे, हमने कहा छोड़ेंगे नहीं आपको, आपने झूठा केस किया है। अरे हमने गांधी के बारे में जो सच्चा लिखा है सब जगह उसके बारे में, उसके सेक्रेटरियों ने रिजाइन किया इसी बात पे, हमने कौन सा गुनाह किया है। तो अभी दूसरा जो केस किया मेरे ऊपर वो जलंधर में है, वो 15 मार्च आखिरी तारीख है अभी 2014 की, यानी डराते हैं धमकाते हैं लालच देते हैं पैसा देते हैं, जो नहीं माने मुकदमे करते हैं, हम सब झेल गए, आप मुझे बाप कहते हैं। नहीं अब मुझे आप ये कहें, क्या ये बताएं कि ये जो स्थिति जो बनी इसके पीछे क्या समर्पण की कमी रही? बिल्कुल निष्ठा नहीं है। अगर जो आदमी समर्पित होता है, आपका ख्याल है कि मैं पक्का नौकर था, मैंने नौकरी छोड़ दी जी, हाँ जी, आपका ख्याल है मुझे भूख प्यास ने नहीं सताया? बिल्कुल सताया, मैं भूखा भी रहा हूँ, मेरे बच्चों ने सफर किया है, मैं उनको ठीक पढ़ा नहीं सका, बाद में पढ़े, मैंने बुरी तरह सफर किया है, तो ये तो सफर करना पड़ता है। लेकिन एक बात हम लोग जो देखते हैं इस वक्त वो ऐसी है साहब कि बाबा साहब जो है या अंबेडकरिज्म जो है वो तो बढ़ता चला जा रहा है, वो तो जो लोग बाबा साहब का विरोध करते थे वे लोग भी अब मजबूर होकर आज बाबा साहब का फोटो अपने पास में रखते हैं, उनकी बात को कहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, वो किसी भी रूप में कहें। लेकिन वे लोग जो बाबा साहब को लेकर चले, एक तो बड़ा व्यक्तित्व में जो मेरे सामने बैठा हुआ देख रहा हूं, ये बहुत असहाय सा मैं देखता हूं, क्या बात है। देखिए मेरा इसका जवाब ये है जी, अगर बाबा साहब जी अपने विचार लिखित नहीं छोड़ जाते जी तो कब के खत्म हो गए होते। बाबा साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो अपने विचार लिख के छोड़ गए। एक 64 पेज की किताब है जो मैंने छापी, रानी गांधी जना जी, मैंने उर्दू में छापी, मैंने हिंदी में छापी, पंजाबी में मैंने छापी। रानी गांधी जना को मैं वो महत्व देता हूँ जो कोई भी विद्वान कोई भी धर्म मानने वाला अपने बड़े से बड़े पवित्र ग्रंथ को देता है। क्या बात है? वो बाबा साहब के सिद्धांतों की गुत्थी है। मैं पूरी वर्ल्ड में वो किताब लेके भाषण मैंने किए है, इंग्लैंड में किए, अमेरिका में किए, कनाडा में किए, फ्रांस में किए, जर्मनी में किए। बात यह कि बाबा साहब ने 22 जो वॉल्यूम है ये आग है, आग जैसे आग जलती है ना, हम आग जलाते हैं लकड़ी जलाते हैं राख बन जाती है,
लेकर राख के नीचे भी चिंगारी होती है। आप राख को हटाएंगे, चिंगारी जो है भड़क जाएगी। मेरे पास देश विदेश से लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग अपने आप को अंबेडकरी कहते हैं, बाबा साहब के श्रद्धालु कहते हैं, आपसे ज्यादा काम दूसरे प्रांतों ने किया है। अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सरी किसने बनाया, नर्सरी नर्सिंग शिवलिंगैया साहब, एल शिवलिंगैया साहब, जिसने एक बार केवल बाबा साहब के दर्शन किए हैं। ऐसे आपको बीसियों मसाले दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये सब तो हो रहा है, ये तो बाबा साहब, लेकिन मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूँ, आज जो प्रगतिशील हिंदू है, अच्छा, जो जो समझता है कि हिंदुइज्म चौराहे पे खड़ा है, वो जो समझ रहा है, आज कम्युनिस्ट जो है, अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक संस्था है जिसने चंडीगढ़ में सेमिनार किया, अभी लखनऊ में कर रहे हैं, वो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अंबेडकर और मार्क्स का आखिर झगड़ा क्या है। अच्छा, झगड़ा क्या है, वो समझ रहे हैं कि मिलके चलना चाहिए, उनको अब अकल आई है। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग जो है, जिन्होंने ठेका ले लिया, अच्छा, बाबा साहब का, हमें ठेका छोड़ देना चाहिए। अब लोग जो है बाबा साहब को समझने लगे हैं, दूसरे लोग भी चाहे थोड़े समझने लगे हैं, वो समझते हैं रास्ता यही है और रास्ता नहीं है। लेकिन आप कैसा देखते हैं पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, पूरा सोशल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, जो बाबा साहब की दृष्टि में, क्योंकि आपका जो सारा विश्लेषण रहा है, जो अध्ययन रहा है, जो संशोधन रहा है, वो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा है, आप कैसा देखते हैं हमारे देश में? देखिए ऐसा है जी, संविधान मेरे के सामने बना जी, मैंने जो मुझे पता था किसने क्या किया जी, हाँ, किसने विरोध किया, किसने समर्थन दिया, किसने पीछे से खत्म करने की कोशिश की, वो मेरे सामने हुआ है जी, जी, जी। इसलिए मैंने डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान किताब लिखी है, मैंने उसके चैप्टर है, हमने देखी है, बाबा साहब कैसा संविधान बनाना चाहते हैं वो भी लिखा मैंने जी। बाबा साहब कैसा संविधान बना पाए, क्यों बना पाए, संविधान जो है अगर ईमानदारी से लागू होता जी, तो जो आप कह रहे सिनेरियो है ये पैदा नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं जी, निदेशक सिद्धांत जिनको बोलते हैं, उसमें लिखा है कि हर सरकार, इट शैल बी दी ड्यूटी ऑफ दी, बिल नहीं लिखा, शैल, अंग्रेजी में शैल होता है कि करना ही है, आपको कानून बनाते वक्त इन चीजों को ध्यान में रखना है, ओनरशिप की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए नेशनल रिसोर्सेज की, पढ़ो, और जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो लोगों के हित का हो। लेकिन बावजूद इसके जब सरकारें ऐसा करती है तो वो ऐसा है कि देखिए, लोगों को जो हम समझते हैं, दल वाले हम समझते हैं, एक ही नारा उठना चाहिए कि संविधान लागू करो, और हमने आज मांग की है, जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में और समयबद्ध कहेगी हम जे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, निर्देश सिद्धांतों को लागू करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो उन लोगों के साथ काम किया जाएगा, किया जाएगा, वो कोई भी हो। अभी आप कैसा मानते हैं कि अंबेडकर एट्स पॉलिटिकल पार्टी वो कैसे खड़ी हो पाएगी? देखिए वो तो अब बात सोचने की है नहीं है, क्योंकि जो मूवमेंट हमने खड़ा की थी, देखिए मुझे तो बीसी कामले, हरिदास आवरे, राय साहब, एल शिवराज, ये तो सबसे मिलने का, काम करने का मौका मिला है। बिल्कुल, ये तो आपने किया है, ये तो आपके वक्त की बात। आज पॉलिटिकल पार्टी के लिए चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, आप जो देख रहे हैं वो आपको सामने देख रहे हैं, मुझे जो एज जर्नलिस्ट पता है, क्योंकि यहाँ लोग क्या करते हैं, मराठी की पेपर पढ़ते हैं, कोई हमारे पंजाबी का पढ़ता है, अंदर की बात नहीं पता होती। ये आज का जो सिस्टम है इसको कंपनियां चला रही हैं। अच्छा, ये जो अभी पैदा हुआ है इसको फोर्ड फाउंडेशन चला रही है, 2005 से इसको डॉलर मिल रहे हैं। आज आप देखो आरटीआई से कितना पैसा किस किस पार्टी को मिला, कोई बची नहीं। ये आज तो कंपनियां देश चला रही हैं, अपने हित के लिए चला रही हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखने का है। और 50% औरतें हैं, 47% तो वोटर हैं, ये लोगों को हम समझ लें कि जैसा मूर्ख हैं,
इनके सिर में कूड़ा भरा है, ये तो नहीं सोच सकते ना। कभी भी धरती बांझ नहीं हुई। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, बांझ नहीं हुई। लोग उठेंगे, अंबेडकर का नाम लेके उठेंगे, अंबेडकर और मार्क्स ये जमा हो जाए तो उठेंगे, अंबेडकर और लोहिया जमा हो जाए तो उठेंगे, उठेंगे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जो अभी आपको व्यापारी देख रहे हैं, दलाल देख रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलेंगे। दलाल आपके भी हैं, आरपीआई के भी दलाल हैं, कई हम दलाल नहीं बने ना हम बनने देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए तो आपकी, यदि इस समय हम लोग अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं तो इसमें अंबेडकराइट्स रिप्रेजेंटेशन कहीं दिखता नहीं है। नहीं, देखिए उसका मतलब क्या है, देखो मतलब ये है, क्योंकि एक सीनियर एक्टिविस्ट के रूप में, एक सीनियर मार्गदर्शक के रूप में हम एलआर बाली साहब को देख सकते हैं। मैं कहता हूँ आपके पास सही, आप आज पार्लियामेंट क्या है जी, आज इंडिया की पार्लियामेंट का विश्लेषण करिए। इंडिया की पार्लियामेंट में क्रिमिनल है, इंडिया की पार्लियामेंट में अरबपति हैं, इंडिया की पार्लियामेंट में बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार का बाबा साहब ने राज्यसभा में हवाला दिया है, रेड्डी का, उसके पास 1400 एकड़ जमीन। हमारे हरियाणा के एक चौटाला फैमिली है, चौटाला जो है, जिसको ये टीचरों के मामले में जेल में है, 10 साल की सजा हुई है, उसके बाद 1200 एकड़ जमीन है। ये बड़े बड़े जिम्मेदार ये कब्जा करके बैठे हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन ये लड़ेगा कौन? लड़ेगे नौजवान, लड़ेंगे। नहीं तो इसको दल लड़ेगा? दल तो देखो एक छोटी संस्था है, दल तैयार कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, दल तैयार कर रहा है। हम नहीं कहते कि हमने आसमान में गली सुराख कर दिया, लेकिन देखो साइकिल पंक्चर करने के लिए एक छोटा सा पिन काफी है और मसाल है कि हाथी को मारने के लिए चींटी काफी है जी, जी, जी। हम दल के लोग तैयार कर रहे हैं, दूसरे लोग भी तैयार कर रहे हैं अपने ढंग से, उनका अपना ढंग है जी। हमारा अम्बेडकरी विचारधारा का ढंग है, उनका अपना ढंग है। हम हर साल ट्रेनिंग करते हैं अपने सेंटर पे, लोगों को बताते हैं कि ये करना है। आप तो कलम के अधिकारी हैं, आप तो वाणी के अधिकारी हैं, आप कैसा मानते हैं कि भाई मीडिया जो है, कलम जो है, वाणी जो है, ये किस तरह से अम्बेडकर? इसी को स्पर्श करता हूँ, इसी को स्पर्श करता हूँ। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम पढ़ते नहीं हैं, अगर बाबा साहब को पढ़ते होते तो ये सवाल इररिलेवेंट होता। ये 84 साल की उम्र में इवन टुडे आई एम फुली ट्रेन, आप मेरी बात को समझो जी, आई एम फुली ट्रेन। तो मेरा मतलब है अम्बेडकरियों को ये नहीं देखना चाहिए, भीगी बिल्ली नहीं बनना, भीगी बिल्ली बने हुए नहीं बैठे रहना। मतलब बुद्धा धम्मा में लिखा है बाबा ने, बाबा साहब ने बुद्धा धम्मा में लिखा है, भिक्षुओ अगर नेकी खतरे में हो तो भिगी बिल्ली मत बने रहो। हम एक अंतिम रूप में आपसे एक बात चाहेंगे। हाँ। कि आप अंतिम रूप से क्या टिप्पणी देंगे हमारे दर्शकों के लिए? आप बड़े दिनों बाद ये बातचीत हो रही है अम्बेडकर एक्ट मीडिया। देखो मेरा सब लोगों से निवेदन है जी, जो अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं या नहीं अनुयायी कहते, कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो। क्या बात है, एक बार बाबा साहब का अम्बेडकर को पढ़ो, और दूसरी बात बाबा साहब के जीवन को देखो। हमने उनको हंसते रोते देखा है, आप उनके सूट बूट देखते हैं, अंदर का जो उनकी गरीबी थी उसको नहीं देखते। बाबा साहब गरीब को देख करके रो पड़ते थे। बाबा साहब का जीवन देखो, समर्पित जीवन। एक बात उनको पढ़ो, पढ़ के समझो, समझ के मुताबिक उसके मुताबिक आचरण करो। खाली पढ़ना समझना काफी नहीं, आचरण करो। दूसरा, बाबा साहब का जीवन समर्पित जीवन है, उसको देखो। तीसरी बात, जीवन एक बार है, बार बार नहीं आता जी। जीवन एक बार है, और जीवन को सिद्धांत के ऊपर अगर बलिदान करना पड़े तो करना चाहिए। जीवन को अगर बलिदान करना हो तो कर देना चाहिए, लेकिन बाबा साहब को अगर जानना है तो बाबा साहब को पढ़ो, और बाबा साहब का जो विचार है उसको आचरण में ले आओ। ये जो बात एलआर बाली साहब की इस पूरे मंतव्य से निकल कर आई है, और यही उनका संदेश भी है। मित्रों, आवाज विशेष में हम लोग तो यहाँ पर रुकेंगे। बाली साहब,
आपका बहुत धन्यवाद। आप सबका स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक सही बात पूरे लोगों में फैलाई है, ये भी कोई कोई करता है। चलिए बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।